हेलो दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था आपका प्रोबेबिलिटी का 15.1 एक्सरसाइज, और तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कल कर लिए थे। तो आज हम 11th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अब देखिए, उसने क्या किया है, एक फिशेज वो खरीद रहा है 8, जिसमें 8 फीमेल फिशेज हैं और 5 मेल फिशेज हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अब देखिए, टोटल पहले हमको तो टोटल फिशेज चाहिए। टोटल फिशेज कितनी है, टोटल फिशेज आपने देख ली है, 8+5 हैं, 8+5 हो गया आपका 13। अब वो प्रोबेबिलिटी जो मांग रहा है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश इज कितनी हो जाएंगी, देखिए मेल फिशेज कितनी है, मेल फिशेज आपकी 5 हैं, तो 5/13 हो गया, काफ़ी सिंपल है। अ गेम ऑफ अ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग आउट वन ऑफ द नंबर्स। अब देखिए, कोई स्पिनिंग का कोई गेम है जिसमें एरो आता है इन में से किसी एक नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, एंड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब देखिए, नंबर्स टोटल हमारे पास 8 हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उससे 8 आएगा आंसर, सिर्फ एक ही चांस है, तो 1/8 हो गया। टोटल आउटकम्स 8 हो सकते हैं और उसमें से एक ही चांस है कि उसमें से 8 आएगा। ऑड नंबर, अब देखिए इसमें से ऑड नंबर आपको चेक कर लेना है। ऑड नंबर है देखिए इसमें से 1, 3, 5, 7, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 4/8। ठीक है, 1/2 भी लिख सकते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2, दो से बड़े कितने नंबर्स हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए, तो 6/8। कट कर लेंगे इसको तो 3/4 आ जाएगा। ओके, अ नंबर लेस देन 9, सारे नंबर ही 9 से कम है, मतलब टोटल कितने नंबर हैं, वो 8 नंबर हैं 9 से कम के, 1 से लेकर 8 तक सारे ही हैं, तो कितने हो गए, 8/8=1। ओके, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखिए, एक डाई को थ्रो किया जाता है, डाई मतलब जो डाइस होता है आपका, डाइस में नंबर्स होते हैं 1 to 6। अब देखो, 1 to 6 में प्राइम नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स हैं उसमें से 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 हो गई ये, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 3/6, या इसको आप हाफ भी लिख सकते हैं, 1/2। ऑलराइट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, मतलब 2 और 6 के बीच में 3 नंबर्स हैं, 3, 4, 5, तो फिर से हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6, ये भी हो गया आपका हाफ। एन ऑड नंबर, ऑड नंबर देखिए 1 से 6 तक ऑड नंबर्स कितने हैं, 1, 3 and 5, फिर से 3, तो 3/6=2। ओके, अब देखिए 14 नंबर को क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए, जब भी कार्ड्स के जब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको जो कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, ताश के पत्ते, ताश के पत्तों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपके पास उसका नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 52 जो कार्ड्स होते हैं, जो 52 जो ताश के पत्ते हैं, उसमें से रेड कलर के किंग्स कितने होते हैं। तो हमारे पास 2 होते हैं, और टोटल हमारे पास जो ताश के पत्ते हैं वो 52 है, तो आंसर हो गया आपका 2/52, या इसको आप देख सकते हैं 1/26, कट जाएगा ये। अब फेस कार्ड, अब देखिए फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12, तो 12/52, इसको भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है, 3 से कट कर सकते हैं, 3 से तो कट नहीं होगा ये, 2 से कट हो सकता है, फिर 2 से फिर से कट हो जाएगा ये, 3/13, 4 से कट हो सकता था ये। रेड फेस कार्ड, अब वो बोल रहे हैं देखिए क्या, रेड फेस कार्ड, अब रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, रेड फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 6, तो 6/52, ठीक है, 3/26। अ जैक ऑफ हार्ट्स, अब देखिए अ जैक ऑफ हार्ट्स कितने हैं हमारे पास, इस पूरे जो ताश के पत्तों की जो पूरी गड्डी होती है, उस गड्डी में हमारे पास सिर्फ एक ही पत्ता ऐसा होता है जो कि जैक ऑफ हार्ट्स होता है। फिर है स्पेड, स्पेड कितने हैं, स्पेड हमारे पास 13 होते हैं, तो 13/52 या 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, अब देखिए द क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने पत्ते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही पत्ता ऐसा होता है, तो 1/52। हमेशा नीचे आपका 52 ही आएगा, क्योंकि जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, वो 52 ही होंगे, तो इसलिए हमेशा आपका नीचे हमेशा 52 ही आएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 cards, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 5 cards, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स।
ठीक है, मतलब उनका फेस नहीं दिख रहा है हमको, दिख नहीं रहा है कि नीचे क्या लिखा हुआ है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, उनमें से क्या होता है हम एक कार्ड रैंडमली पिक करते हैं इन पांच कार्ड्स में से। यहाँ पर 52 कार्ड्स नहीं है ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ पांच ही कार्ड्स हैं। तो पांच कार्ड्स हमारे पास, एक टेन, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ओके, अब देखिए, अब बोल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। अब इसमें से क्वीन की आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, क्वीन कितनी है इसमें से, देखिए टोटल हमारे पास पांच पत्ते हैं, 1 2 3 4 5, क्वीन इसमें से एक ही है, तो बहुत ही सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइव हैं और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है क्वीन की आने की वो सिर्फ एक है, तो 1/5। ओके, अब वो बोल रहे हैं इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब वो बोल रहे हैं कि जो क्वीन हमने इसमें से निकाली थी वो अलग हो गई है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब देखिए एस इसमें से एक ही है जबकि हमने क्वीन अलग कर दी, तो अभी सिर्फ पाँच में से चार ही पत्ते हमारे पास बचे हैं, तो एस की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी है 1, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए हैं अब चार, तो 1/4। अब वो बोल रहे हैं इसी क्वेश्चन में कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज अ क्वीन। देखिए क्वीन हमने अलग कर दिया और दूसरी हमारे पास कोई क्वीन नहीं है, तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या हो गया, 0। ओके,